पीटीआई एमपीए नदीम बारा भी नैब के रेडार पर आ गए। किनाल व्यू सोसाइटी में 131 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम, महकमा कोऑपरेटिव की नैब को भिजवाएगी रिपोर्ट में इंकशाफ, नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाएं, कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन भी मुतालिबात के लिए सड़कों पर, पंजाब असेंबली के बाहर मुजाहरा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, एहतजाज के बाद स्मॉल रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहर में बनाई जाने वाली नई तहसील नियाज बेग पर महकमा रेवेन्यू ने एतराज लगा दिया, कमिश्नर लाहौर को मुरासला भिजवा दिया, तफसीलात तलब, कौन से रकबे को छोड़ा और कौन सा रकबा नया शामिल कर रहे हैं, नई तहसील कितनी आबादी पर मुहित होगी, मौजूदा अमला कितना है, नए कितने अमले की जरूरत पड़ेगी, मुरासले का मतलब। वजीर आजम के अहकाम भी नजरअंदाज, अद्वियात की कीमतों में कमी ना हो सकी, दवा साज इदारों का वजीर आजम के अहकाम के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और फार्मास्यूटिकल का मुश्तरक इजलास, विफाकी वजीर सेहत की भी इजलास में शिरकत। मोबाइल फोन बंद रखने वाले एफआईए अफसरान की शामत आ गई, डायरेक्टर पंजाब जोन 2 तारिक रुस्तम चौहान का महकमाना कार्रवाई का इंदिया, तमाम अफसरान को मोबाइल फोन 24 घंटे खुला रखने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। विफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर जाली डिग्री केस में बरी, एंटी करप्शन अदालत के जज बहादुर अली खान ने फैसला सुना दिया, जाली डिग्री से मुताल्लिक कोई सबूत नहीं मिले, तफ्तीशी अफसर एंटी करप्शन ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी, गुलाम सरवर के खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया, वकील अकरम कुरैशी के दलाइल। और मई जून में मामलात बेहतर होने की उम्मीद है, छोटे और दरमियाने दर्जे की सनअतों के लिए सहूलियात का फुकदान है, माशी इस्लाहात के बायस पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए तैयार है, मार्च में बरामदात कम हुई, मुशीर वजीर आजम अब्दुल रजाक दाऊद की एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू।